बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आदिब अफजल और मैं videotaleem.com की जानिब से आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्त जो हैं वो खुश होंगे और इन्जॉय करते होंगे अपनी लाइफ में। तो यूज़र, आज की वीडियो का टॉपिक है यूट्यूब के हवाले से। जी यूज़र, जिन दोस्तों के पास यूट्यूब का चैनल है और वो अपने यूट्यूब के चैनल को किसी भी डोमेन के साथ लिंक करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूँ। ये उन दोस्तों के लिए है जिन दोस्तों का यूट्यूब का चैनल बिल्कुल न्यू है और अभी यूट्यूब का जो उनका यूआरएल है वो अभी तक जो है वो नहीं बन सका है। जैसे यूट्यूब का यूआरएल क्या होता है मैं वो आपको बता देता हूँ। यूट्यूब का यूआरएल होता है youtube.com/videotaleem। ये हमारे यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब का लिंक है, सॉरी। अच्छा, अब अगर आपके पास न्यू चैनल है तो आप लिंक बनाना चाहते हैं तो इसका एक कुछ क्राइटेरिया होता है। अगर उस क्राइटेरिया पर आपका चैनल जो है वो पूरा होता है तो फिर आप यूट्यूब जो है वो अलाउ करता है कि आप अपना लिंक जो है यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आपका न्यू चैनल है और आप अपनी किसी डोमेन के साथ अपने चैनल को लिंक करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मिसाल के तौर पर जैसे कि आपके पास कोई भी .com की डोमेन है और आप उसको अपने यूट्यूब के चैनल को .com के साथ लिंक करना चाहते हैं, या फ्री डोमेन्स होती हैं कुछ और जैसे कि .tk, .ga, .ml इस तरह की कुछ फ्री डोमेन्स होती हैं, उनके साथ अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं अपने YouTube के चैनल को लिंक करना चाहें। तो आज की वीडियो में मैं आपको फ्री डोमेन के बारे में बताऊंगा कि आप फ्री डोमेन के साथ अपने YouTube के चैनल को किस तरह लिंक कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आप अगर अपने चैनल को किसी भी दोस्त के साथ या किसी भी यूजर के साथ शेयर करना चाहें तो आप बहुत ही आराम से यूजर फ्रेंडली जो है अपना लिंक दे सकते हैं, ना कि आप अपना यूट्यूब का पूरा चैनल का लिंक उनको सेंड करें तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको मैसेज करना पड़ता है या आपको सेंड करना पड़ता है, और अगर आप बताना चाहें तो आप नहीं बता सकते। तो आप अगर आपके पास .com की .net की .info किसी भी डोमेन के साथ अपने यूट्यूब के चैनल को लिंक करना चाहते हैं तो वो आप जो है वो कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की जानिब और सीख लेते हैं कि ये काम किस तरह होगा। अपने YouTube के चैनल को किसी भी डोमेन के साथ लिंक करने के लिए हमें एक अदद डोमेन की जरूरत है। डोमेन को या तो हम बाय कर सकते हैं या हम फ्री में हासिल कर सकते हैं। अगर तो आप .com, .net, .info जैसी डोमेन्स जो प्रोफेशनल डोमेन्स हैं उनके साथ अपने YouTube को लिंक करना चाहते हैं तो आपको डोमेन जो है वो बाय करना पड़ेगी। और अगर आपको डोमेन बाय नहीं करनी आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको डोमेन बाय करने का तरीका बता दूंगा, ठीक है, प्रोफेशनल लेवल की, जैसे कि हमारी videotaleem.com है, ठीक है। तो अगर आपके पास फ्री अगर आप .com या प्रोफेशनल डोमेन नहीं लेना चाहते और फ्री में डोमेन हासिल करना चाहते हैं तो वो मैं आपको आज बता दूंगा कि भैया आप फ्री डोमेन किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक वेबसाइट पर जाना होगा और उस वेबसाइट से हमें डोमेन को रजिस्टर्ड करना होगा, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर दो लिंक आपको जो है वो मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। एक तो ये है www.tk, तो ये एक वेबसाइट है, स्क्रीन पे भी मैंने आपको लिंक जो है वो डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद जो है आप या तो my.freenom.com जो है इसको जो है वो आप ओपन कर सकते हैं, इस डोमेन्स को। तो इनसे, इन दोनों से, ये दोनों एक ही साइट है, ठीक है, तो इन दोनों से आप जो है वो साइट को ओपन करके अपनी डोमेन फ्री हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो .tk की डोमेन जो है वो हासिल करना चाहता हूँ या कोई भी डोमेन हासिल करना चाहता हूँ, तो उसको मैं क्या करना पड़ेगा, हमें आप जो है वो एक टैब के ऊपर अपना YouTube का जो है वो चैनल जो है वो ओपन कर लीजिए। तो उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पर वेबसाइट पर आना है, और वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको लॉग इन टू माई फ्रीनम के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। या आप यहां पर बटन पर क्लिक करने से पहले यहां पर आपको एक सर्च बार नजर आ रही है, ठीक है, इस सर्च बार के अंदर आपके चैनल का जो भी नाम है उसको जो है यहां पर टाइप करें। मिसाल के तौर पर मेरा वीडियो तालीम के नाम से यूट्यूब का चैनल है, तो मैं यहां पर सर्च कर लेता हूं वीडियो तालीम, ठीक है। मैं सिंपली कोई .com या कोई भी ऐसी चीज एक्सटेंशन इसके साथ नहीं लगाऊंगा, सिंपली वीडियो तालीम लिखूंगा, जो भी आपके चैनल का नाम है आप यहां पर वो लिखें। उसके बाद यहां पर इस बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट हमें बता देगी कि आपके पास फ्री डोमेन जो है इस वक्त आपको मिल सकती है, videotaleem.ga के नाम से आपको मिल सकती है, videotaleem.ca
CF के नाम से मिल सकती है, videotaleem.gq के नाम से मिल सकती है, ठीक है। तो ये कुछ फ्री डोमेन्स हैं जिनको हम हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें जो है वो 0 USD जो है वो हमें चार्ज होंगे, यानी कि फ्री में। तो ये दो जो वेबसाइट्स हैं, ये .tk.ml जो है ये नॉट अवेलेबल, ये इससे पहले किसी ने यूज़ कर ली हुई है। जैसे कि मैंने videotaleem.ml के नाम से पहले आपको वीडियो में मैंने बताया कि भाई ये मैंने परचेज कर ली हुई है, ठीक है, सॉरी मैंने इसको जो है वो हासिल कर ली है। तो इसके लिए जैसे मैं आपको सैंपल बताता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ videotaleem.ml, तो इसको मैं जो है ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस डोमेन को ओपन करता हूँ तो मेरे यूट्यूब के चैनल का लिंक जो है वो ओपन हो जाता है। तो इसको हम बेसिकली डोमेन फॉरवर्डिंग बोलते हैं। तो हम अपने चैनल को डोमेन के साथ फॉरवर्ड पे लगा देंगे कि कोई भी इस डोमेन को ओपन करे तो हमारा जो YouTube का चैनल है वो ओपन हो जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसको हम किस तरह करते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर videotaleem.ga के नाम से जो है वो हासिल करना चाहता हूँ। तो मैं गेट इट नाउ के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर टॉप पर चेकआउट का आपके पास बटन आएगा, तो मैं यहाँ पर चेकआउट के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास जो है, हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर डोमेन फॉरवर्ड दिस डोमेन या यूज DNS। अगर तो आपकी वेबसाइट है तो आप DNS के साथ अपनी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं, लेकिन YouTube के चैनल को आप DNS के साथ जो है वो लिंक नहीं कर सकते। हम डोमेन फॉरवर्ड जो है वो फॉरवर्ड डोमेन को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें, पीरियड आपको बताया गया 3 मंथ एड फ्री, तो आप इसको जो है वो 12 मंथ के लिए फ्री हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखें 12 मंथ तक जो है फ्री है, उसके बाद जो है आप जो है आप अगर आप उससे ज्यादा परचेज करना चाहते हैं तो आप उसको जो है वो पे करेंगे। तो 1 साल के लिए ये फ्री है, उसके बाद आप उसको पे करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फॉरवर्ड दिस डोमेन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको फॉरवर्ड दिस डोमेन 2 के अंदर जो है ये जो हमें बॉक्स मिला है, तो इसके अंदर हमें अपने डोमेन अपने URL का जो लिंक है हमारे चैनल का वो हमें यहाँ पर लगाना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मोस्टली यूजर्स को ये नहीं पता होता कि हमारे YouTube का चैनल का लिंक जो है वो कहाँ से मिलेगा। तो एक तो तरीकाकार है, आप अपनी कोई भी एक वीडियो को जो है वो ओपन करें। ओपन करने के बाद यहां पर आपको जो है वो एक आपके वीडियो का जो है आपके चैनल का जो है नाम आपको डिस्प्ले होगा। इस नाम के ऊपर आप जो है जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये डोमेन का आपके चैनल का URL जो है वो यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। या आप अपने लॉगिन चैनल के अपने चैनल को लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ पर आप आएं, यहाँ पर आने के बाद माई चैनल पे क्लिक कर लें तो आपको फिर भी ये चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है जी। तो फिलहाल यहाँ पर ये मेरे चैनल का लिंक है, ठीक है। तो मैं इस चैनल के लिंक को जो है वो लिंक करना चाह रहा हूँ डोमेन के साथ, लेकिन यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो चैनल का लिंक है वो वीडियोज डायरेक्ट मेरी जो है वीडियोज का जो है पोर्शन है वो ओपन हो, होम वाला टैब जो है वो ओपन ना हो। तो मैं इसके वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं वीडियो पर क्लिक करता हूँ तो मेरा एक URL यहाँ पर बन जाता है। तो मैं इस URL को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब जो है मैं डोमेन फॉरवर्ड जो है हमारी जो ऑप्शन है इसके ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मुझे यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। ओके जी, यहाँ पर मुझे कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर जो है वो ईमेल एड्रेस मांगा जा रहा है कि भी हम अगर तो हम जो है आपके पास अकाउंट है तो यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लगाएं, और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर अपने किसी भी सोशल लिंक के साथ जो है इसको लिंक कर सकते हैं। तो फिल वक्त मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है मैं वेरीफाई ईमेल जो है वो इसको कर लेता हूँ और यहाँ पर मुझे एक वेरीफाई माई ईमेल एड्रेस, ठीक है जी। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फिल वक्त मुझे ऑलरेडी लिंक यहाँ पर जो है लॉग इन कर लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लॉग इन पे बटन पे क्लिक करता हूँ और जो मेरा डोमेन अपना जो ईमेल एड्रेस है वो देता हूँ और यहाँ पर मैं पासवर्ड देता हूँ। ओके, लॉग इन के बटन पे क्लिक किया। ओके जी, यहाँ पर हेलो आतिफ के नाम से जो है वो आ गया, इसका मतलब मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, अब मुझे यहाँ पर अपनी डिटेल अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, तो फिल वक्त में जो डिटेल नहीं देना और यहाँ पर इसको चेक मार्क कर लें। चेक करने के बाद कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर आप क्लिक कर लें।
तो यूजर हमारा जो है वो ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, योर ऑर्डर नंबर इज, ठीक है जी। और हम मैं दोबारा से जो है वो क्लाइंट एरिया में जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और टॉप पर आपको सर्विसेज का एक बटन नज़र आएगा। सर्विसेज में माई डोमेन्स के ऊपर आप क्लिक करें तो अब तक की आपने जितनी डोमेन्स जो हैं वो इनसे ली होंगी वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीडियो तालीम डॉट एम एल मैंने कल ट्राई के तौर पर ली थी, और आज जो है मैंने आपके सामने जो है वो वीडियो तालीम डॉट जी ए के नाम से मैंने लिया। अच्छा, अब इस लिंक को जो है मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। देखें तो हमने यहाँ पर ओपन किया तो हमारा चैनल जो है वो इसके साथ अभी लिंक नहीं हुआ, तो मैं इसको दोबारा www के साथ ओपन करके देख लेता हूँ। तो ये देखिए इधर हमने www के साथ जो हमने लिखा और हमारा जो है वो चैनल जो है वो इस लिंक पर आ गया। तो मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद न्यू टैब पे जाकर इसको दोबारा से जो है मैं एंटर करता हूँ, ओपन करता हूँ। तो देखिए हमारा जो इस डोमेन के साथ जो है हमारा जो है वो यूट्यूब का चैनल जो है वो लिंक हो चुका है। तो इस पे आपको जो है वो आप अपनी डोमेन को किसी भी अपने चैनल के नाम को एज ए डोमेन के तौर पर यूट्यूब के चैनल के साथ लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं एक फ्री ब्लॉग के ऊपर अपने यूट्यूब के चैनल को लिंक करना सिखाऊंगा, ठीक है, कि आप अपने चैनल को फ्री जो है वो अपने ब्लॉग के साथ किसी भी ब्लॉग स्पॉट के साथ अपने चैनल को किस तरह लिंक कर सकते हैं। ऑटो लिंक बताऊंगा कि आपको वीडियो पोस्ट नहीं करना पड़ेगी और आप सिंपल जो है वो खुद ब खुद जो आप जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो ऑटो जो है वो आपके ब्लॉग के ऊपर चल जाएगी, और ब्लॉग के साथ आप अगर कोई डोमेन लिंक करना चाहें तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह इसी तरह और अच्छी अच्छी वीडियोज आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है, वो ये कि आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे फेसबुक के पेज या ग्रुप जो है जो भी आप सोशल मीडिया पसंद करते हैं उसको हमारे लिंक को फॉलो करें, ठीक है जी। अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।